एक्चुअली यहाँ पे ये इवेक्शन इलीगल है, दिस इज इलीगल, क्योंकि कोर्ट पे केस लड़ा जा रहा है, उसका उसका कोई भी नतीजा नहीं निकला है अभी तब सामने आया ही नहीं, तो फिर ये इवेक्शन किस लिए? दे आर हार्मिंग द नेचर, देखो पूरा पेड़ तब भी तोड़ दिया, आप लोग नेचर के बिना रह सकते हो? अगर नहीं, मतलब आप लोग इसके ये जमीन के ऊपर में कोर्ट में लड़ाई कर रहे हैं क्या? लड़ाई कर रहे हैं ना, और फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले बहुत साल पहले यहाँ पे इवेक्शन हुआ था, उस समय हाँ वो तो इलीगल था, इवेक्शन हुआ था, उसके बाद फिर यहाँ पे लोग बैठने शुरू कर दिए, उसके बाद हम लोग भी आए, लैंड वो जो फ्रंट में है ना वो लैंड हम लोग ने 1,50,000 से लिया, गवर्नमेंट लैंड को 1,50,000 से कौन लेता है? इवन वी डोंट नो दिस इज गवर्नमेंट लैंड, मुझे नहीं, हम लोगों को नहीं पता था कि ये गवर्नमेंट लैंड है बोल के, वरना हम लोग क्यों ना वो करते थे, मनी कोई आसान से तो आता नहीं है, मेरे फादर ने इतना तकलीफ लेके इतना तकलीफ करके वो लैंड लिया था, सो दैट से तो कार्बी आंगलों में नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे, क्योंकि कार्बी आंगलों ही तो हमारा घर है ना, वी आर नॉट बांग्लादेशी राइट। उसके बाद देखो लास्ट ईयर फिर से इवेक्शन के लिए नोटिस आया था, उस समय बोला कि यहाँ पे कोर्ट लोगों को बैठाएंगे, कोर्ट लोग ने बोला जहाँ पे इंसान बैठे जहाँ पे पेड़ सब उग गए वहाँ पे हम क्यों बैठे, हम लोग नहीं बैठेंगे, कोई और जगह बैठे देगा तो भी चलेगा, कोर्ट लोन की सोच आई थिंक थोड़े डेवलपिंग टाइप अगर अंडर टॉप देंगे ना तो भी चलेगा, वहाँ पे और डेवलप होगा, कोर्ट लोग ने ऐसा ऑलरेडी कह दिया है, लेकिन ना वो तुलसीराम जो है ना सी एम जानते हो ना अभी, उसने कहा उसने उसका चाल कुछ और ही है, काउंसिल यहाँ पे इवेक्शन कराएगा, कोर्ट को तो चाहिए ही नहीं तो फिर क्यों, ऑलरेडी कह दिया कोर्ट को तो चाहिए ही नहीं तो फिर हमें बैठने दो ना, उनका तो कुछ काम नहीं है, वो तुलसीराम जो है ना वो बस हमने पकड़ पे इलीगली मनी भरना चाहता है, वो सेंट्रल को ये ज़मीन सौंपना चाहता है, यू नो सेंट्रल को ये ज़मीन सौंपना चाहता है, उसके बाद वो जो मनी उसको मिलता है वो तो खुद ही अपने पकड़ पे डाल देगा, और हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे ही कहाँ हम लोग, यहाँ जमीन आप लोग नहीं छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे तो और जाएंगे कहाँ, नहीं छोड़ेंगे तो हमारा तो टूटा घटो है नहीं, बस यहाँ पे तो है, ये गवर्नमेंट ने इलीगली कर रहा है। हाँ नहीं देखो हमें बोल रहे हैं कि हम लोग इलीगली ये कर रहे हैं, ओके मीन्स ये इलीगल है, ये गवर्नमेंट का लैंड है, मगर यू नो अगर अगर वो लोग हमें ऐसे ही टाउन एरिया पे लैंड देते हैं और एवरी यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना उन सबको 60,00,000 देता है ना, 60,00,000 आई एम आस्किंग फॉर 60,00,000 फॉर एवरीवन टू डेवलप आवर होम एंड एवरीथिंग, टाउन एरिया पे हमें लैंड चाहिए वो भी इस एरिया से ज़्यादा बड़ा, उसके बाद एवरीवन दोस हु आर स्टेइंग हियर राइट उसको 60,00,000 चाहिए सो दैट दे कुड बिल्ड देयर हाउस, नॉट दिस काइंड ऑफ हाउस यू नो, कार्बी आंगलों पर रहते हुए भी हम लोग ऐसा घर बना रहे हैं, लाइक इट फील सो सेमफुल यू नो, मतलब जैसा भी हो घर तो घर होता है ना, वो तुलसीराम हमें इन्हें प्रोटेस्ट करने पे क्यों मजबूर करता है, वी ऑल आर किड्स, कैन यू सी ऑल दिस स्मॉल स्मॉल किड्स दे आर प्रोटेस्टिंग इन दिस एज, सब वो तुलसीराम रोंगांग की वजह से हो रहा है, वो देखो इन्हें छोटे छोटे बच्चे स्कूल सब छोड़ के अभी वहाँ पे एग्जाम चल रहा है, CBSE सेंट डोमिनिक स्कूल पे सभी का एग्जाम चल रहा है, इवन माय आल्सो, पर भी हमें प्रोटेस्ट करने पे मजबूर किया जा रहा है, पढ़ाई कब करेंगे?